भारत और नेपाल के जुड़े रहने का आधार है एक दूसरे के प्रति रखी गई मित्रता, और इस मित्रता में भारत न सिर्फ नेपाल की मदद करता है पर साथ ही उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखता है। इस बीच भारत और नेपाल को जोड़ने वाली जयनगर बिजलपुरा बर्द्रीबास रेल लाइन के एक खंड का परिचालन शुरू किया गया। भारतीय दूतावास ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला ने बिजलापुर में सीमा पार रेल लाइन के कुर्था बिजलापुर खंड पर परिचालन की शुरुआत की है। इस अवसर पर भारतीय दूतावास के उप प्रमुख प्रसन्ना श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश के स्थानीय नेता और सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर ज्वाला ने कहा, ये रेल कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को जबरदस्त बढ़ावा देगी और नेपाल में व्यापार और पर्यटन को बढ़ाएगी। जयनगर बिजलपुरा बद्रीबास सीमा पार रेल लाइन परियोजना का दूसरा चरण है। बिजलपुरा को बद्रीबास से जोड़ने वाले तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान कुर्था बिजलपुर रेल खंड नेपाल सरकार को सौंप दिया गया था। बता दें, कुर्था बिजलापुर लाइन की कुल लंबाई 17 किलोमीटर 300 मीटर है और इस खंड पर 5 स्टेशन कुर्था, पिपरादी, लोहारपट्टी, सिंगयाही और बिजलापुर है। जानकारी के मुताबिक ये भारत की 783 करोड़ 83 लाख रुपए की अनुदान सहायता के तहत बनाई जा रही 68 किलोमीटर 700 मीटर लंबी है। जयनगर से कुर्था तक पहले चरण का उद्घाटन पिछले साल अप्रैल में किया गया था और तब से ये चालू है। साथ ही भारत ने नेपाल भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम के तहत नेपाल को एक अन्य सहायता में 43 एम्बुलेंस और 50 स्कूल बस उपहार में दी। दूतावास परिसर में आयोजित एक समारोह ने नेपाल के विज्ञान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्री ने नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव की उपस्थिति में लाभार्थी संगठनों को चाबियां सौंपी। बता दें, भारत नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम 1994 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा अब तक कुल 974 एम्बुलेंस और 234 स्कूल बसें उपहार में दी गई। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निरंतर समर्थन की घोषणा करते हुए आने वाले दिनों में स्कूल बसों की संख्या बढ़ाने का भी वादा किया। बता दें, भारत की तरफ से नेपाल को यह मदद ऐसे वक्त पर दी गई जब दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर पुराना विवाद है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया था। इसके अलावा नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। चीन ने नेपाल में भारी मात्रा में निवेश किया है। वो अपनी महत्वाकांक्षी योजना BRI के अंतर्गत नेपाल में निवेश कर रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।